रानीखेत के कॉलेज में 3 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। कला उत्सव का शुभारंभ गाजियाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर एनसी तिवारी ने किया। कला उत्सव में बच्चों के द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, पेंटिंग, थ्रेड वर्क, पिरुल से बनाए गए उत्पाद दिखाए गए। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता के प्रति भी स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में आए वैज्ञानिक डॉक्टर एनसी तिवारी ने कहा कि रानीखेत जैसे एक छोटे से शहर में बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने के लिए समिति बधाई की पात्र है। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि भी ऐसे भी हमारे प्रतिभा हमारे वहाँ है, क्योंकि इसका श्रेय जो है उन लोगों को जाता है जिन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया है। मतलब ये कल्पना से परे है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी क्या हमारे बच्चे हैं। और जैसे कोयले की खान में हीरे की पहचान तभी हो पाती है जो जब उसका हीरा का जो जौहरी होता है वो उसको देखता है, परखता है, तराशता है। और वही काम हमारे वहाँ पर जो लोग कुछ लोग हैं, जैसे विमल सती जी हैं, इनके सहयोगी हैं, वो कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी, जो कि ऑलरेडी कुछ लोगों ने तो योगदान अपना दिया ही हुआ है, कुछ और लोग भी जो हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हैं वो अपना योगदान देंगे और हमारे रानीखेत का नाम जो है वो आगे करेंगे। और आपने का मेरा मेन उद्देश्य था कि पहाड़ से लोग जा रहे हैं और उनको रोकने का यही प्रयास था कि मैं अपने हैंडीक्राफ्ट के कामों के माध्यम से एक कोशिश कर पाऊँ। लेकिन अभी वर्तमान में काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो इस काम को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। मेरे साथ मेरी एक बहन है रश्मि नेगी, उन्होंने इस काम को बढ़ाया और उसमें गाय खरीदी, बकरी खरीदी, किसी ने पार्लर में सामान लिया, किसी ने परचून की दुकान खोली और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। जैसे हमारे साथ ये बच्चे देख रहे हैं आप, ये बच्चे इतने ट्रेंड हो चुके हैं। आज मैं इनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही हूँ और निश्चित रूप से आज जो मंच हमें मिला है इस तक हमारे काम को काफ़ी आगे तक पहुँचाएगा, जिससे इन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और मेरे आसपास जितने भी मेरी बहनें हैं या जो भी लोग इस समय बहुत मुसीबत में हैं कोरोना संक्रमण काल में विशेषकर, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा।